हेलो एवरीवन, आज लेके आए आपके लिए नया मारुति इको का वीडियो। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, उनमें आपने देखा है कि कैसे इको का माइलेज इंक्रीज किया जाता है, एवरेज बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, तो वो गैस किट पे जो एवरेज बढ़ाने के वीडियो थे वो आ चुके हैं फ्रेंड्स, और उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देने वाले हैं। और आज लेके आए आपके लिए, अगर पेट्रोल के ऊपर आपकी जो गाड़ी है एवरेज मीन निकाल रही है तो इसके क्या कारण है, और फिर से एवरेज बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं एवरेज देने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, की मेन होता है इसका पेट्रोल फिल्टर, जो कि हम अक्सर चेंज नहीं करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने मंगवाया है पेट्रोल फिल्टर, ये 20 से 25 हज़ार पे चेंज हो जाना चाहिए। और मेरी गाड़ी चल चुकी है 80,000 किलोमीटर, और इसके बारे में आज तक पता नहीं था। और लास्ट में जब गाड़ी चलते हैं इंजन बंद हो गया, और उसके बाद ब्रेक पेडल वो भी काम हो गया था फ्रेंड्स, तो हैंड ब्रेक से बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल किया था, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल से गाड़ी चल रही थी और ये फिल्टर चोक हो गया, तो हाईवे पे गाड़ी थी फ्रेंड्स, और इंजन की सारी लाइट चालू हो गई। इंजन ऑफ होते ही इसका जो पेडल है ब्रेक का वो जाम हो गया था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल हुई थी। तो ब्रेक नहीं लगने का, ब्रेक फेल होने के दो कारण होते हैं फ्रेंड्स। एक तो अगर यहाँ पे बोनट के नीचे एक ऑयल की डिग्गी होती है, उसमें जो मैक्स लेवल से अगर ऑयल कम होता है तो फिर आप पेडल पे खड़े भी हो जाएंगे, ब्रेक नहीं लगेगा। तो दूसरा कारण है पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाती है, तो फिर वो सिस्टम बंद होता है, आपका पेडल गाड़ी चलते ब्रेक फेल हो जाएगा, पेडल लगेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, एवरेज कम होने का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक पता चला है पेट्रोल पे जब गाड़ी चल रही है, तो है पेट्रोल फिल्टर का, क्योंकि इसमें स्पेशल एक पेपर होता है, कंपनी ने बहुत स्पेशल इसमें पेपर दिया है, जो कि जितना पेट्रोल से डस्ट जो भी एमरी 24 में आती है सब यहीं पे रोक लेता है फिल्टर, और इसके बाद में इंजन में जाने से रोक देता है फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा क्या होता है कि जो गाड़ी मेरे जब मैंने ली थी 10 से 11 साल पुरानी को हो चुकी अपनी, उस टाइम फ्रेंड्स से दे रही थी 15 से 16 का एवरेज दे रही थी, और अभी ये निकाल रही कि अब 10 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर, तो काफ़ी जो एवरेज है इसका लो हो चुका है फ्रेंड्स। तो गैस पे काफ़ी अच्छा एवरेज दे रही है, वो सब हमने आपको जो कैसे इंक्रीज करते हैं एलपीजी गैस किट का माइलेज वो वीडियो आ चुके हैं फ्रेंड्स। और अब जो पेट्रोल की जो प्रॉब्लम है कार के अंदर, तो बड़ी आसानी से इसको भी हम सोल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसको आज चेंज करने वाले वो आपको हम बता देते हैं कैसे पेट्रोल का जो फिल्टर है इसको चेंज किया जाता है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि जब ये चोक हो जाता है, कंपनी कहती है 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पर हमें चेंज कर देना चाहिए, ताकि गाड़ी फ्री चल सके और पेट्रोल की इंजन को सप्लाई पूरी मिल सके फ्रेंड्स। और जब ये चोक होने लगा है फ्रेंड्स, इसके बाद होता क्या है कि जो पेट्रोल पंप है इस पर काफ़ी लोड बढ़ जाता है, और फिर गाड़ी के इंजन को पेट्रोल पूरा नहीं मिलता है, और फिर गाड़ी माइलेज नहीं देती है। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पेट्रोल पे माइलेज नहीं देने के पकड़ में आ चुके फ्रेंड्स, इसको चेंज कैसे करते हो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है कि जो ड्राइवर साइड की सीट है इसके नीचे ये फिल्टर लगा हुआ होता है, तो इसको ओपन कर लेते हैं सीट को। तो फ्रेंड्स, ये सीट को ओपन कर लिया है, अब आपको बताते हैं फिल्टर के बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस नली को हटा लें, और इसके बाद जो ये टैंक है डिब्बा, इसको रिमूव कर लें ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए 12 नंबर स्पैनर, और इससे इसको ओपन करना है अपने को। तो फ्रेंड्स, देखिए आप दो नट हैं, इनको खोल लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि पहले इस नली को रिमूव कर ले फ्रेंड्स, ये प्लास से इसको दबा के पीछे तक पुश कर दें। ये देखिए, आपको बता देता हूँ, ये जो क्लिप है इसके बाद बड़ी आसानी से ये जो नली है फ्रेंड्स ये खुल जाएगी। फ्रेंड्स, पेट्रोल जो नली में भरा हुआ था ये भी थोड़ा सा निकला है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, कभी भी चाबी को ऑन नहीं करें, अगर चाबी को ऑन करोगे तो पेट्रोल इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और
चाबी को ऑफ ही रखना है। इसके बाद इन दोनों नट को खोल ले। इन दोनों नटों को खोलने के बाद फ्रेंड्स अपन जो नीचे की नली है इसको खोलेंगे और फिर बाद में पेट्रोल फिल्टर को नए को सेटअप करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पेट्रोल फिल्टर, नीचे भी क्लिप है फ्रेंड्स, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पेट्रोल फिल्टर, क्योंकि इंजन में जितना भी पेट्रोल जो टैंक है इसमें से जो कचरा वगैरह होता है उसको ये रोकता है। और फ्रेंड्स से जाम हो चुकी है क्योंकि गाड़ी काफ़ी चल चुकी है और आज से फर्स्ट टाइम फिल्टर चेंज हो रहा है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स कितना फिल्टर बुरी तरह से चोक हो चुका है। एक आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो पेट्रोल जो फिल्टर है इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए बुरी तरह से चोक हो चुका है और पेट्रोल की हालत आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये स्थिति है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप गाड़ी को अगर आप एवरेज चाहते हैं अपनी कार का, चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल, तो इसका जो पॉइंट पेट्रोल फिल्टर है फ्रेंड्स इसको चेंज करते रहिए 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे, ताकि एक तो पेट्रोल पंप है या डीजल गाड़ी है तो उसका जो डीजल पंप है उस पर नॉक्शन लोड नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, और गाड़ी का पंप काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी आपका एवरेज अच्छा देगी फ्रेंड्स। देख लीजिए आप कैसे इसमें से ये पेट्रोल निकल रहा है, पूरी तरह चौक हो गया फ्रेंड्स, इधर से पेट्रोल आना भी बंद हो गया था फ्रेंड्स। देखिए तो इसको फ्रेंड्स चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद फिल्टर इतनी बुरी तरह से चौक हो चुका है फ्रेंड्स, पूरे में जंग लग चुका था। इसका नली के अंदर भी हो सकता है थोड़ा बहुत ये जंग वगैरह हो, तो इस नली की सफाई कर ले। चाबी को ऑन करें और एक एक्स्ट्रा जो बोतल वगैरह है इसमें इसको ले ले, ताकि जो अपन नया फिल्टर लगाएंगे ये भी चोक ना हो जाए फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स 3 बार चाबी को ऑन ऑफ किया है और देखिए ये जो पेट्रोल है इसका कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जंग के कलर का हो रहा है, क्योंकि टैंक में जो पूरी ये नली लगी हुई है इसमें भी ये बुरी तरह से चोक हो चुका है फ्रेंड्स। तो एक दो बार इसको और क्लीन कर लेते हैं ताकि नए फिल्टर में ये डस्ट वगैरह जो है इसको चोक नहीं करे। लगभग 7 से 8 बार पेट्रोल को ऑन ऑफ कर ले फ्रेंड्स चाबी को, ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए इसकी जो पाइप है जो पेट्रोल टैंक से इंजन तक आती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि पेट्रोल जो फिल्टर है इसको चेंज करना काफ़ी आवश्यक होता है, लेकिन हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते फ्रेंड्स। देखिए 0.5 लीटर पेट्रोल निकालने के बाद भी इसका कलर अभी भी डार्क है, लेकिन लगभग अभी ये क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसके जब डस्ट वगैरह बैठ जाएगी नीचे, फिर इसको हम बाइक वगैरह में यूज में लेंगे इसको। और अब लगा देते हैं जो नया फिल्टर लेके आए इसको। तो ये लाइन इसकी जो क्लीन हो चुकी है फ्रेंड्स, इसके बाद ये काफ़ी आसानी से लग जाता है फ्रेंड्स। अच्छे से अंदर तक नली को डाल दें और ये जो क्लिप है इसको प्लास से पकड़ के और इसको फिर से इसके ऊपर सेट करना है फ्रेंड्स।
क्लिप को अच्छे से लगाए ताकि ये खुलना नहीं चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। इसके बाद हल्का सा पीछे की तरफ इसको दबा दें। बहुत सी बार क्या होता है फ्रेंड कि नली भी ख़राब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नली आपको नई लेके आनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स अभी फिल्टर सूखा है तो इसके अंदर भी हमको एक बार पेट्रोल चला लेना चाहिए ताकि पेट्रोल से ये फिल्टर भर जाए और एयर लेने का डर नहीं रहे फ्रेंड्स। तो ये काम भी हम कर ही लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स चाबी ऑन करते ही, एक बार चाबी ऑन करने पे भी फिल्टर नहीं भरा है, सेकंड टाइम में ये भर चुका है। और दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल करीब से, जैसे ही चाबी ऑन करते हैं ये देख फ्रेंड्स बिल्कुल साफ़ सुथरा पेट्रोल आने लगा है। अभी जो भी डस्ट होगी पेट्रोल टैंक में इसको यहीं पे रोक लेगा, इंजन में नहीं जाने देगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट्रोल फिल्टर, चाहे कोई सी भी गाड़ी है आपके पास फ्रेंड्स, चाहे डीजल गाड़ी है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे कोई सा भी वाहन है, उसमें डीजल है तो डीजल फिल्टर होता है और पेट्रोल के अंदर पेट्रोल फिल्टर। अब फिर से इसको टाइट कर देते हैं फ्रेंड्स नट लगा के। इसको अच्छे से टाइट कर देना है और ये आप देख रहे हैं टाइट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसकी जो ऊपर वाली नली है फ्रेंड्स इसको लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स ऊपर वाली नली इसकी फिटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो बड़ी आसानी से आप अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं घर पे, थोड़ी सी इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको। और ये फ्रेंड फिर से लॉक कर दिया है और अब इसको भी फिट कर दिया फ्रेंड्स और ये इसकी नली लगा दी फ्रेंड्स। अब गाड़ी को चालू कर के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों लॉक कर देते हैं सीट को। तो दोस्तों गाड़ी की सीट को लॉक कर दिया है। तो ये था सबसे आसान तरीका कैसे फिल्टर चेंज किया जाए, क्योंकि जो फिल्टर है फ्रेंड्स इसको चेंज करना बड़ा आवश्यक होता है। आपने देखा है कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें और टाइम से टाइम फिल्टर को चेंज करते रहिए, ताकि आपकी गाड़ी जो है माइलेज काफ़ी अच्छा निकालेगी और जो कंपनी ने माइलेज दिया है वही माइलेज अब गाड़ी देगी फ्रेंड्स। काफ़ी समय से परेशान कर रखा था, केवल 9 से 10 के बीच एवरेज निकाल रही थी और जब गाड़ी को बाइक किया था तब 15-16 आसानी से एवरेज निकाल रही थी फ्रेंड्स। तो फिर से वही एवरेज मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। तो आप भी अपनी गाड़ी को मेंटेन रखिए ढंग से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।